तो कोई भी चीज हम किसी से लेते या मांगते, जैसे किसी दुकान पर चले गए जाके कहते भाई साहब 1 किलो चीनी देना, तो ऐसे हम कोई भी चीज किसी से ले या मांग लेते हैं। तो आज से एक छोटा सा नियम बना लो अपनी इंग्लिश में कि कोई भी चीज किसी से लेनी है मांगनी है तो एक बड़ा सभ्य सा तरीका। कहते हैं सर एक भाषा में आदमी को हमेशा क्या होनी चाहिए, उसकी भाषा में कर्टसी होनी चाहिए। क्या बोला मैंने सर? बोलिए कर्टसी। ठीक बोले आप, कर्टसी। शिष्टाचार जैसे हिंदी में हम बोलते हैं उसे इंग्लिश में कर्टसी कहते हैं। तो एक भाषा में कर्टसी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे सोचते लिखो, पर मैं कहता हूं नहीं, इस कोर्स की पहली जरूरत यह भी है कि आपको यहां से भी ट्रेंड होना है। अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि मैं अच्छा बोलना सीख जाऊं। मैं एक बात आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आप अच्छा बोलना तभी सीख सकते हैं जब आप अच्छा सुनने की काबिलियत रखते हैं। और अच्छे सुनने में एक सबसे पहले जरूरत यह होती है कि आपको शांत बैठ के बस ये देखना है कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। अगर उसके लहजे को पकड़ गए तो फिर आप सब कुछ पकड़ गए सर। तो सुनकर भी सीखना बहुत बड़ी चीज है। और देखिए सुनकर सीखने की ताकत आज से नहीं, जन्म से हमारे पास है। क्योंकि हिंदी भाषा को जब हमने सीखा तो लिख के नहीं, पढ़ के नहीं, सुन के सीखा था। तो मैं चाहता हूं कि बहुत सारी चीजों को आप सुन के मेरे साथ अच्छा बनाएं। मैंने अभी कहा कि शिष्टाचार की इंग्लिश को क्या बोलते हैं? बहुत बड़े सर। तो मैंने कहा कर्टसी के साथ कोई भी चीज किसी व्यक्ति से मांगनी है या लेनी है, एक छोटा सा एक्सप्रेशन मेरे साथ बोलिएगा सर, बोल के दिखाओ, कुड आई। और इस हैव के बाद यहां पर उस चीज का नाम लिया जो आपको लेना है। और फिर बाद में और ज्यादा अगर आपको रिक्वेस्ट का भाव लेके आना तो आप चाहो तो यहां पे एक वर्ड लगा सकते हो, क्या प्लीज। और यहां पर कुल मिला के क्वेश्चन मार्क की तरह, क्योंकि अभी आप उसे मांग रहे, पता नहीं वो देगा भी नहीं देगा। तो इस तरीके का एक एक्सप्रेशन बोलना सीखे सर। एवरीबडी यस एंड नो। देखो एक बात और है, जब आपको मेरी बात समझ में आती रहे तो आप मुझे एक वर्ड के साथ बोलिएगा, गॉट इट। बहुत बड़े, फिर से बोलिए सर। तो एक काम करते, चलो एक कर लेते काम, एक गिलास पानी मांग लो जरा। मैंने तो नहीं सुना आपकी, इसका मतलब आपको जो चीज लेनी है वो यहीं पे तो लगानी थी। yes, तो आपको लेना क्या, ग्लास किसका, पानी का, तो ग्लास ऑफ वाटर। बहुत बड़े, ग्लास ऑफ, और एक है तो क्या बोला आपने, तो पूरा बोल के दिखाइए, कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं, आप किसी शॉप पे चले गए और जाके कह रहे भाई साहब एक रेड पेन देना। सर स्पोकन कोर्स की सबसे पहले जरूरत यही है कि मैं कम बोलूं आप ज्यादा बोलो, मैं एक चीज बता दूं तब तक बुलवाऊं जब तक नेचुरली वो चीज आपके मुंह से निकलने ना शुरू हो जाए। इस बैच को करते वक्त एक सोच आपकी होनी चाहिए कि इसमें ज्यादा सीखने से ज्यादा ज्यादा बोलने को मिलेगा। तो जब तक एक कंसेप्ट आप अच्छे से बोलना नहीं सीखेंगे तो मैं आपको बुलवाता रहूंगा। तो एक बार फिर दोबारा से मांग सकते, एक पेन मांगना जरा रेड, कुड आई हैव अ रेड पेन। एक कप चाय और मांग लो जरा। क्लियर हो गया? बोलना था, गॉट इट। अब देखो ये तो आपने मांगा है तो सामने वाले को फिर वो चीज देनी भी पड़ती है। अब मान लो किसी ने मेरे से पेन मांग लिया तो मैंने क्या कहा, जेब से निकाल के कहा मेरे भाई साहब ये नहीं चाहिए। तो कई बार हम सामने वाले को कह देते हैं, एक वर्ड बोलते, बोलेंगे मेरे साथ टेक इट, चल सकता है सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। पर इसी का एक बहुत बढ़िया पोलाइट वे में कोई भी चीज देने का तरीका सीख लो। इंग्लिश में बोलना है तो उसके लिए एक वर्ड मेरे साथ बोलना सर, बोलेंगे हियर, हियर नहीं बेटा, हियर। हियर के बाद यू, यू के बाद क्या लिखा है, आर। पूरा बोल के दिखाइए, बिल्कुल ठीक बोला आपने, हियर यू। कभी कहते हैं ये लो, अब ये लो की इंग्लिश है अपने आप में, वो क्या है, हियर यू। एक प्रैक्टिस करके देख ले। चलो एक काम करो, मेरे से ना आपको कोई नंबर लिखना है पर आपके पास लिखने के लिए कोई जगह नहीं है, तो आपने मेरे से ना वो एक पेपर मांगना है। हाँ जी, कुड आई हैव अ, अब मैं एक वर्ड आपके सामने लिख ही देता हूं, आ, और आके बाद मैंने यहां पे लिख दिया पेपर। देखिए एक बात और मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग आपके दिमाग में एक बात डालते हैं, एक विश्वास बनाते हैं, बेटा कोई भी चीज ना दिमाग में एक बनाना डालना, मैं मेरे मुंह से निकला तो मैं चाहता हूं उसको पढ़ लीजिए आप। एक वर्ड बोलेंगे सर, FOSTER, क्या लिखा मैंने, फॉस्टर। बहुत बढ़िया, फिर से बोलो बेटा, फॉस्टर का मतलब होता है कोई भी विश्वास, कोई भी विश्वास या कोई भी विचार आपके दिमाग में डाल दिया, आपके अंदर बैठा दिया। कोई भी चीज अगर आपके व्यवहार में ले आए हम तो उसे फॉस्टर करते हैं। तो बहुत सारे व्यक्ति क्या करेंगे, आपके दिमाग में फॉस्टर करेंगे, यानी कि एक बिलीफ को डालेंगे। उस बिलीफ को देखिए क्या कहते हैं, कि जब आप इंग्लिश बोलते हो ना तो उसमें ग्रामर की जरूरत नहीं होती, इससे ज्यादा गलत भाई कुछ हो नहीं सकती। सब बिना ग्रामर के तो भाषा का अर्थ बदल जाता है। अब कैसे ग्रामर को बदल सकते हो सर, एक एक शब्द से ग्रामर के पूरे मीनिंग को आप बदल देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पास में, मेरे परिवार में आप जो सदस्य मेरे सामने बैठे हैं आप भी ऐसा कोई विचार रखें। तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि जब भी आप इंग्लिश को बोलें तो उसमें सटीकता जरूर हो, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। सर एक वर्ड सुनना मेरे साथ, बोलेंगे इमैक्युलेट, सुन के सीखना, इमैक्युलेट, इमैक्युलेट इंग्लिश। किसी भी चीज को आपने इमैक्युलेट कह दिया तो उसमें कोई कमी नहीं है सर, परफेक्ट है।
और बहुत साफ सुथरे को भी इमैक्युलेट कहते हैं। इमैक्युलेट दो जगह आता है, एक तो वहां आता है जब जहां पर गंदगी नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा है, और दूसरा बड़ी ये वहां पर यूज किया जाता है जिसमें कोई कमी नहीं है। जैसे मैं चाहता हूं जो आपकी इंग्लिश हो उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एवरीबडी यस सर, तो उसे कहते हैं इमैक्युलेट। मैं पूरा बोलता हूं सर, इमैक्युलेट इंग्लिश। अब इमैक्युलेट इंग्लिश का मतलब आपकी भाषा में कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब झूठ है कि आपको ग्रामर की जरूरत नहीं होती। सर संडे साहब आपने जो वर्ड बोला ना, आप पेपर गलत बोल दिया सर। अब पेपर अगर आपने बोल दिया, नहीं ये भी गलत कर दिया आपने भी, इसको समझिए बड़े ध्यान से। अगर आप इसे अ पेपर कहते हैं तो ये कोई रिटन डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसके ऊपर लिखित कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी हो, वो तो पेपर हो सकता है। पर जो आप ये लेते ना, ये पेपर, ये वाला, ये जो पेपर होता है, इसका जो हम टुकड़ा लेते हैं सर, पहली बात तो पेपर होता क्या है सर, ये पूरी एक शीट है। पेपर का मतलब ये मटेरियल है जिसके ऊपर हम लिखते हैं। और आप कभी खुद सोच के देखो, इसके आकार में कटी शीट को तो आप गिन सकते हो, पर इस पेपर को कोई नहीं गिनता सर। जैसे मैं एक छोटी सी बात करूं साबुन की, तो साबुन तो एक मटेरियल है बच्चों, पर साबुन की जो आप ये ऐसे आकार में जो लेके आते हो, वो टिकिया चट्टी बट्टी जो भी आप हिंदी में बोलते हो, पहले भी ऐसे आता था टीवी पे, फेना की टिकिया ही लेना, तो टिकिया क्यों बोलते थे? क्योंकि एक्चुअल में साबुन तो वो मटेरियल है जिसको अपने शरीर पर या कपड़ों पर हम लगाते हैं, और उसका जो आकार काट के बनाया गया वो साबुन का टुकड़ा है, और उस टुकड़े को इंग्लिश में बोलते बेटे बोलेंगे अ केक ऑफ। बोले बेटा अ केक ऑफ सॉप। साबुन फिर से बोल के दिखाइए। यानी कि साबुन को आप कभी नहीं गिन सकते सर, क्योंकि साबुन तो मटेरियल है। Am I right or not, sir? Yes, sir. जैसे आप पानी को कभी नहीं गिन सकते, पर पानी के गिलास को गिन सकते हैं। मैं एक बार फिर बोलता हूं सर, फिर दर्द सुनिए बड़े ध्यान से। मैंने कहा आप दूध को कभी नहीं गिन सकते, पर दूध के गिलास को जरूर गिन सकते हैं आप। तो कई बार चीजें हम गिन नहीं पाते, पर उसको गिनने का एक तरीका बना लेते हैं जो उसकी मात्रा या माप को दिखा देता है। तो जीवन में ध्यान रखना, पेपर तो महज वो मटेरियल होता है जिसके ऊपर लिखा जाता है, पर जो आपने मांगा वो टुकड़ा, उस टुकड़े के लिए आपको अलग से एक वर्ड लेके आना पड़ेगा। मेरे साथ बोलना जरा ध्यान से, नहीं नहीं आगे नहीं भागना सर। देखिए एक कोर्स में एक बात और बताता हूं, एक वर्ड मेरे साथ बोलेंगे सर, बोल के दिखाइए। हेस्ट, हेस्ट। सर बोलिए ना, हेस्ट। इससे पहले एक वर्ड लगा रहा हूं, मेक हेस्ट, पूरा बोल के दिखाओ। जल्दबाजी करने की इंग्लिश क्या होती है? दो तरीके से सीखे सर, पहले बोले जल्दबाजी की इंग्लिश क्या है और करना सुना नहीं मैंने। एक और मैं बताता हूं, हाँ नहीं मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मुझे थोड़ा सा ऊंचा सुनता है तो अपनी आवाज में दम रखना। एक वर्ड और मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनेंगे, यहां पे बोल के दिखाई सर, बोलेंगे हार्ड। सर सुना नहीं, हार्ड का मतलब मुश्किल होता है ना, कठोर होता है, ठीक है। अगर मैं हार्ड के बाद एक यहां पर वर्ड लगा दूं क्या, हार्ड ऑफ, अगर जैसे ही आपने हार्ड के बाद लगाया तो उसका मतलब किसी चीज में आपको परेशानी है, दिक्कत है, तकलीफ है। और अगर दिक्कत मुझे है तो मैंने एक वर्ड बोला, मैंने आई एम हार्ड ऑफ, मैंने नहीं सुना सर। और यहां पर वो काम ले आइए जिस काम में आपको दिक्कत है। कई सारी बातें एक साथ पढ़नी, अब मैंने तीन चार बातें बोर्ड पे बिखेर दी, इकट्ठा करूंगा अभी, पर पहले इस वाले एक्सप्रेशन को पूरा कर लेते हैं। जैसे मुझे दिक्कत, थोड़ा सा पेशेंस रखिए बेटा, एक बार सुनो, किसी भी काम को करने में आपको दिक्कत है तो आप एक वर्ड बोलेंगे आई एम हार्ड ऑफ। अब आपको वो काम चाहिए, अब वो काम है मेरे को सुनने में दिक्कत है, सुनने की इंग्लिश क्या होती है? और उसमें आईएनजी क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि ये ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, बोल के दिखाई बेटा। और जितनी भी प्रेपोजिशंस होती हैं ये अपने बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन मांगती हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब आ जाए तो उसमें आईएनजी लगा दो। क्यों कहते हैं? क्योंकि आईएनजी लगी वाली वर्ब एक नाउन का काम भी करती है, इसे जेरंड भी कहते हैं इंग्लिश में। तो आज से किसी भी काम को करने में आपको दिक्कत है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, तो आप इतना सा बोलिए आई एम हार्ड ऑफ। रिदम बनाइए थोड़ा सा बोलने से पहले, आई एम हार्ड ऑफ। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? सुनने में दिक्कत है तो मुझे इंग्लिश बोलने में दिक्कत है, आई एम हार्ड ऑफ स्पीकिंग, मुझे इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है। इतनी आसान है इंग्लिश, एक तरीका सीखा कहीं भी अप्लाई कर दीजिए। पर इसको सीखते हुए जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी की इंग्लिश बताई थी अभी, कर गए ना गड़बड़, मैंने कहा जल्दबाजी की इंग्लिश बताई थी, हेस्ट। प्रॉब्लम यही है सर, हम कहीं ना कहीं एक बार सुनकर आगे सुनना ही बंद कर देते हैं, अच्छा वही पूछेगा, और ये मान लेना कि मुझे तो पता है, वो वहीं पे आपके सीखने की प्रोसेस को रोक देता है। कोई किसी को नहीं सिखा सकता सर, हाँ सीखने में मदद हर कोई कर सकता है, पर आपका मदद लेने का भाव है या नहीं है कोई नहीं जानता। तो आप सुनते कैसे हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है सर। तो बताइए सर, जल्दबाजी की इंग्लिश क्या है और जल्दबाजी करना,
आपको नहीं करना है। बहुत अच्छी बात है, जब से कोई भी कहते हैं कि ये काम आपको नहीं करना तो उस काम से पहले डोंट लगा दें। बोल के दिखाई सर, डोंट मेक एक सुन के सीखो का एक्सप्रेशन बोलू। बोलिए मेरे सब, हेस्ट मेक्स वेस्ट। सुना आपने मैंने क्या बोला? हेस्ट मेक्स वेस्ट। एक वर्ड बोलते हिंदी में कि जल्दी का काम, अपने आप से इंग्लिश में सीख लिया उसको कैसे बोलते हैं। जैसे आप कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का, उस इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, बोलेंगे सर हेस्ट मेक्स वेस्ट। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? तो जैसे लगे कि आपको क्लियर मेरी बात, तो बोला कि आई हैव गॉट इट। हाँ जी, आई हैव गॉट इट। तो मैंने एक बात बताई सर, क्या हम पेपर की शीट को गिन सकते? मैंने कहा था आप ध्यान से सुनी रहे, मैंने पूछा आपसे क्या आप पेपर की शीट को गिन सकते हैं? पर क्या ये पेपर के मटेरियल को गिन सकते हैं आप? आर यू श्योर और नॉट? तो जब कभी भी आपको इस पेपर का टुकड़ा किसी से लेना पड़े तो आपको हमेशा ध्यान देना कि आपको गलती से इसको कभी भी ऐसे नहीं बोलना। मैं यहां पे लिख देता हूं अगले वाले में, ऐसे नहीं बोलना। क्या अ पेपर? क्या नहीं बोला बेटे? तो हमेशा इसको बोलेंगे मेरे साथ, बोले अ, बोले बेटा अ पीस ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ पेपर। अब पीस वर्ड लगाएंगे सर, बहुत सारी चीजें जिनको आप गिन नहीं सकते, बहुत सारी चीजें जिनको आप गिन नहीं सकते। तो जब भी कभी कभी गलती से उनकी गिनती भी बोलनी पड़ जाए तो बहुत सारी चीजों के साथ एक अलग से वर्ड लग जाता पीस। अब मेरे साथ बोलते चला सर, बोलेंगे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत बढ़िया, बोलेंगे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास किसी भी विषय को लेकर एक जानकारी है तो आप ये नहीं कहोगे एन इंफॉर्मेशन या वन इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन गिनी नहीं जाती। आप हमेशा बोलेंगे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जब आपके पास किसी व्यक्ति को देने के लिए एक सलाह है तो सलाह की इंग्लिश को बोलते हैं एडवाइस। पूरा बोले अ पीस ऑफ एडवाइस। कुछ चीजें गिनी नहीं जा सकती, आपके दिमाग में डालो, मेन मेन बातें डालो जो आपकी स्पीकिंग में बोलती हैं पर आप गलत बोल जाते हो। मैंने अभी कहा कि कुछ चीजें गिनी, अगर गलती से भी उनकी गिनती बोलनी पड़े तो उनके साथ पीस लगाना है। तो मैंने अभी एक चीज के लिए बोला, मैंने सर पहले वाला क्या बोला पेपर गिना नहीं जाता, तो क्या बोले अ पीस ऑफ पेपर। जानकारी के लिए क्या बोला आपने? बहुत बढ़िया सर। एक सलाह के लिए क्या बोला? अ पीस ऑफ। आर यू श्योर और नॉट? बहुत बढ़िया। एक वर्ड अभी तो दो चार और बुलवाऊंगा सर, बोलूं? yes, सर मैंने कहा मेरे पास एक न्यूज है, अ पीस ऑफ न्यूज। बहुत बढ़िया सर, फिर से बोल के दिखाइए। एक फर्नीचर की चीज को बोलते हैं अ पीस ऑफ फर्नीचर। जैसे मैंने बोला टेबल, बोले सर टेबल इज अ फर्नीचर। लोग ऐसे ही बोल देते हैं इंग्लिश में, बिल्कुल गलत बोलते हैं। सही वाला बोल के देखिए, टेबल इज अ पीस ऑफ फर्नीचर। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जिनको आप गिन, अगर फिर भी उनकी गिनती बतानी पड़े तो पहले पीस वर्ड लगा दें। क्लियर हो रही मेरी बात? बोले सर आई हैव गॉट इट, आई हैव। मैंने जो बच्चे लेट आए अभी बैच में, मैं उनको बता दूं कि मैंने इन सभी को आज इंग्लिश स्पोकन के कोर्स में कहा है, मुझे कुछ शुरू करनी थी अपनी बातें, तो बातचीत में दो चार वर्ड निकले तो मैंने पढ़ा दिए इनको। उनमें से एक वर्ड मैंने इन सभी को पढ़ाया कि जब से आज से कोई भी चीज किसी व्यक्ति से लेनी या मांगनी है तो आप उससे पहले एक छोटा सा वर्ड लगा दे, कुट, और कुट के बाद आए, आए के बाद क्या लगा दे, हैव। सब बोलिए ना, और जो भी चीज लेनी उसका नाम पीछे लगा दो। पूरा बोल के दिखाइए, और ज्यादा रिक्वेस्ट का भाव लेकर तो पीछे क्या लगा देंगे, प्लीज। अब पूरा बोलिए, कुड हैव अ पीस ऑफ पेपर। अब उसने क्या किया, अपनी जेब में से या अपनी नोटबुक में से एक पेपर का टुकड़ा निकाला और निकाल के मुझे कह रहा है कर गया ना गड़बड़। मैंने कहा था जब किसी को कोई चीज देनी है तो आप उस इंग्लिश में बोले हियर यू आर। पूरा बोली, समझ में आया नहीं है? yes, मैं दुकान पे चला गया और साबुन लेने चला गया। मैंने कहा भाई साहब एक सुबह एक साबुन देना। सोच के देखो, मैं मांग रहा हूं ना, और कोई चीज मांगते तो क्या बोलते हैं? अब एक चीज बताओ, क्या साबुन गिन सकते हैं हम? हाँ जी, पर क्या साबुन की टिक्किया को गिन सकते हैं? साबुन की टिक्किया को क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया। कुड आई हैव अ केक ऑफ सॉप प्लीज। रिक्वेस्ट का भाव पीछे प्लीज से ले आएंगे सर। उसने उठा के दुकान में से एक साबुन की टिक्किया उठा के मुझे बोला, अब भी हेयर कह रहे, जब तक हेयर नहीं निकलेगा और कुछ ठीक से नहीं बोलेगा मैं एक सेंटेंस फिर बुलवाऊंगा। नहीं, अब सेंटेंस बुलवाने दीजिए मुझे पहले आप। छोटा सा एग्जाम्पल है, बोलू? हाँ जी, कह रहे मुझे आपसे एक जानकारी चाहिए सर। जानकारी के लिए कौन सा बढ़ाता है? हाँ, बहुत बढ़िया। पूरा बोले,
Could I have a piece of information? बहुत बढ़िया बात है सर, बहुत अच्छी बात है। नहीं, आप एक काम करो, किसी शॉप पर जाके कहना कि सर एक कप कॉफी देना। Could I have a cup of? वो बना के आपको क्या करे? Hear you?